हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी की मसालेदार सब्जी। दोस्तों गोभी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है फूल गोभी की, और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर ये आधा के जी जो है 500 ग्राम गोभी लिए, गोभी के फूल गोभी लिए। और उसके बाद हमने एक प्याज जिसे हमने बारीक कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, एक टमाटर जिसे भी हमने मीडियम साइज के टुकड़ों में कटिंग कर ली है, दो हरी मिर्ची और 10 से 12 लहसुन की कलियां जिन्हें हमने बारीक बिल्कुल पीस लिया है, और ये आधी छोटी चम्मच हमने लिए हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच हमने लिए मिर्ची पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और ये नमक लिया है स्वाद अनुसार डालेंगे, एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले गैस को स्टार्ट करते हैं। देखिए गैस को चालू कर लिया हमने और कढ़ाई भी बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे तेल। गोभी की मसालेदार सब्जी खाने को बार बार आपका जी ललचाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो को बीच में मिस ना करें। अब इस तेल को जो है बिल्कुल अच्छे से गर्म होने दें 2 से 3 मिनट तक। अब तेल के अंदर जीरा डालकर चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ या नहीं। देखिए जीरा डाल दिया है और जीरा जो है वो धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। जीरे को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने दें। जीरा अच्छे से जो ब्राउन हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि जो तेल है वो गर्म हो चुका है, सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड, जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे गोभी, गोभी को फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड, गोभी जो है वो धीरे धीरे ब्राउन हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है तेल के अंदर। देखिए गोभी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है। अब हम डालेंगे मिर्ची, मिर्ची डालेंगे इसके अंदर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे मिर्ची में। देखिए मिर्ची को भी जो है बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। धीरे धीरे मिर्ची और गोभी जो है वो दोनों फ्राई हो रही हैं एक साथ में। और अब वो जो है प्याज भी डाल देंगे इसके अंदर हम। तो ये देखिए प्याज भी डाल दिए हैं और प्याज भी फ्राई हो जाएंगे। तीनों चीज़ों को साथ में ही फ्राई कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मिर्ची प्याज और गोभी जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। देखिए हल्दी डाल दिए और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है हल्दी को। हल्दी बिल्कुल जो है पक चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब अन्य मसाले जो हैं वो इसके अंदर डालेंगे हम। तो सबसे पहले डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। देखिए धनिया पाउडर डाल दिया है और नमक स्वाद अनुसार। लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। देखिए लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। तो इन सबको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे गोभी के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला बिल्कुल मिक्स हो चुका है गोभी के अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाए, स्वाद दोगुना हो जाएगा इसके अंदर हम डाल दिए टमाटर डालने से। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर को भी। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी पानी। बिल्कुल सूखी सब्जी बनाएंगे, मसालेदार सब्जी गोभी की। गोभी मसाला बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनने वाली है गोभी की मसालेदार। ये देखिए, और अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट तक जो है चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे, इतने में सब्जी जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों।
ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी की सब्जी, मसालेदार सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी सब्जी को हम अलग बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मसालेदार सब्जी है गोभी की, इसको हमने अलग बर्तन में निकाल लिया। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।